बल गुरु सेविय कहन सुसहज सुभाव। कि इस सृष्टि पाठकांड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे आवास करके दमदमे टकसाल के बारहवें मुखी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालिया ने जो संपूर्ण किया वो संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरशां ने किया। अज मेरी पीरी दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे साजे हुए तख्त श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो श्रोमणी दमदमी सटीक दमदमी टकसाल वालों पिछले लंबे समय तो जिस की लिखत की और प्रकाशना की सेवा प्रारंभ की गई सी कई साल बाद जाके ये सटीक संपूर्ण होया और अज उस सटीक की संपूर्णता से सतगुरु जी का शुकराना किया गया। पंजे तख्तों के सिंह साहबाना ने प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी ने सिख विद्वाना ने संत महापुरखों ने संगतों की विशाल एकत्रता विच श्री अकाल तख्त साहब जी तो यह सटीक श्रोमणी दमदमी सटीक अज संगतों के विच रिलीज किया गया। इस गल लई देश विदेश दियां संगतों के अंदर लंबे समय तो अड़ीक सी कि दमदमी टकसाल वालों गुरबाणी का शुद्ध टीका किया जाए। ये सटीक हुण संपूर्ण होया और यह कार्य बड़ा कठिन कार्य सी। इस कार्य करन दे विच बहुत वड्डी दास ने भी दास दे नाल जथे दे सिंघां ने दिन रात बहुत वड्डी मेहनत मशक्कत कीती है तां किते जाके सटीक 14 सालां बाद संपूर्ण होया। सो मैं सिख संगतां नूं अपील करदा विद्वानां नूं बेनती करदा कथावाचकां नूं प्रचारकां नूं सिख संगतां नूं कि इस सटीक तों गुरबाणी दे शुद्ध अर्थां दी प्रेरणा लैके अर्थ पढ़ के संगतां दे विच गुरबाणी दी कथा गुरबाणी दी व्याख्या करन तां कि संगतां तक गुरबाणी दी शुद्ध व्याख्या पहुँच सके। बाबा जी किन्ने वॉल्यूम ने किन्ने भाग ने सटीक दे? इस सटीक दे 16 भाग है जी 16 सेंचियां। सिख जगत दे विच पहला सटीक है एडा वड्डा वाढाकारी सटीक इतना वड्डा सटीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का अज तक किसी विद्वान या टीकाकार वालों नहीं लिखा गया। वध तो वध फरीदकोटिया टीके दियाँ 4 सेंचियां इस तरह गली सत्तोवाला उन्हां दियाँ भी 10 सेंचियां ज्ञानी नारायण सिंह जी मजंगा वालियां दियाँ भी लगभग 8 सेंचियां ज्ञानी बिशन सिंह जी दियाँ भी पर यह सटीक 16 पोथियों के रूप में संपूर्ण होया। इस करके दी अपनी महानता अर्थां करके बहुत वड्डी महानता दे विच अर्थां दे उत्ते विशेष ध्यान दिता गया अखरी अर्थ भाव अर्थ अंतरीव अर्थ बहुज रहस गुरबाणी दी उथानका अलंकार इस तरह उथानकावां दे सहत इस टीके नूं जिहड़ा हैगा वह तैयार किया गया। बाबा जी 14 साल की अर्थक मेहनत तो बाद कार्य संपूर्ण होया कितनी खुशी है इस गल्ल? मैं सब तो वड्डी तां सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का शुकराना करदा। इस तो वड्डी माण वाली गल की हो सकती है कि समुचा पंथ सिख पंथ के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहब तो इस सटीक नूं रिलीज किया गया। इस तो वड्डी प्रसन्नता होर कोई नहीं हो सकती। संगतां तक किवें उपलब्ध होएगा जी? संगतां कित्थों प्राप्त कर सकदियां? यह दमदमी टकसाल का जो विशेष एक गुरमत साहित्य सदन लिटरेचर हाउस है उहदे वल्लों भी बाकी असी सारे जिन्हें भी पबलिशर है उन्हां सारिआं तक भी ये पहुँचावांगे। श्रोमणी कमेटी भी तो असी अपने तौर पर भी सिख संप्रदावां दे विच सिख संस्थावां दे विच लाइब्रेरियां च यूनीवर्सिटियां च विद्वानां तक पढ़दा करांगे। बहुत बहुत सही होराने कार्ज किए ने जड़े सटीक बाणी का जोड़ा टीका किया उन्होंने तो उन्होंने वास्ते दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह जी उन्होंने मैं श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवा तख्त वालों बहुत बहुत बधाई देना। वाहगुरु जी की फतेह। सारी सिख कौम वास्ते अब बड़ी खुशी का दिन है भागा भरा दिहाड़ा जेडे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों जो अपने हथी अपने वालों साई अपने चरण कमला अपने चरणा अपने पवित्र पावन पवित्र मुबारक अपने हाथों के नाल जो टकसाल शुरू की थी इस वालों जो सीने पसीने जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह के हथ चले आते अज 300 साल बाद
वह जो टकसाल के महापुरख सामने आते उन्होंने महापुरख संत बाबा ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरांवाले उन्होंने अर्थ लिखाने शुरू किए तो उस वक्त ये अर्थ पूरे नहीं होए तो उस वक्त महापुरशों को किसी ने बेनती की भी महाराज अर्थ सारे लिखा दो तो उन्होंने अज भी वो रिकॉर्ड है उन्होंने वचन किया कोई जीवन मुक्त महापुरश आऊगा ये सारे अर्थ लिख के सामभ के संगत की झोली पा दूगा। अज सब तो वड्डी गल सब तो पहला इत्थे अकाल तख्त साहब ते जां तां कवि चूड़ामणि भाई साहब भाई संतोख सिंह ने अपना गुर प्रताप सूरत ग्रंथ लिख के अकाल तख्त साहब की भेटा किया सी जां फिर अज टकसाल वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो संपूर्ण अर्थ लिख के जो सिख पंथ की झोली पाए श्री अकाल तख्त साहब की भेटा किए गए आ तो मैं इस शुभ मौके पर बाबा जी ने जिन्होंने बहुत उद्यम किया जो लगातार 2009 तो लैके ये अर्थों की सामभ संभाल लिखण का सारा प्रबंध कर रहे हैं सब तो वध मैं उन्होंने बधाई दिना तो सारी सिख कौम को बधाई दिना जो सब तो वध खुशी की गल है। वाहेगुरू जी का खालसा। हाँ सर जी समागम किया गया कि कहना चाहते वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज बाबा जी हरनाम सिंह जी खालसा उन्होंने जो कि बहुत चिर तो चले आ रहा है कारज 50 साल लग गया करते करदे जी उन्होंने अज एक तैयार की है स्टीक तैयार की है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की 16 भागों च है तो वह समर्पित की है अकाल तख्त साहब न सिख संगत न सो बड़ा बड़ा भागा देना साढ़े वास्ते सानू एक विचारधारा एक नवी वेख मिलेगी क्योंकि पहले भी स्टीकां आई ने लेकिन इस तरह के महापुरख ने कदे शायद नहीं किया होगा जिन्हें विस्तार ने जिन्हें तरीके ने जिन्हें एक चंगे ढंग ने किया गया और मैं अपनी सिख संगत को बहुत बधाई दिना और बाबा जी ने भी बहुत बहुत बधाई दिना मैं और परमात्मा पासों अरदास करदा कि इस तरह ही सिख कौम चढ़दी कला च रहेगी।